नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू देवभूमि की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को मुक्तेश्वर पहुंचे, जहां वे कमाऊं मंडल विकास निगम मुक्तेश्वर में पहुंचे थे। ये केंद्रीय विद्यालय मुक्तेश्वर के तीन नन्हे मुन्ने बच्चे मुख्यमंत्री से आकर मिले। अपने बीच मुख्यमंत्री को देख बच्चे काफी उत्साहित थे। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा छठी से छात्रा करुणा और कक्षा तीसरी की छात्रा रुचि और कक्षा एक के छात्र शैलेश पांडे ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी भी बच्चों को देख काफी प्रफुल्लित हुए। उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। इस दौरान बच्चे सीएम से मिलकर काफी खुश नजर आए हैं। उन्होंने सीएम धामी का ऑटोग्राफ भी लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अचानक मुक्तेश्वर पहुंचकर 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अंतर्गत KMVN मुक्तेश्वर में चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने पारंपरिक शैली में पुराने थाने के रेस्टोरेंट के कार्य, पर्यटन स्थल चौली की जाली, मुक्तेश्वर धाम के विकास कार्यों की समीक्षा भी की। उसके बाद मुक्तेश्वर क्षेत्र में एप्पल मिशन के अंतर्गत किसान बंधुओं के विकसित किए जा रहे एप्पल फार्म्स का भी भ्रमण किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपनी पुस्तक उत्तराखंडियत का विमोचन किया, लेकिन पुस्तक के विमोचन से पहले ही हरीश रावत किशोर उपाध्याय के निशाने पर आ गए। सब लोगों ने जो स्नेह दिखाया और मैं आभारी हूं जगतगुरु शंकराचार्य जी का, और उतना ही आभारी मैं आप सब मीडिया के दोस्तों का भी हूँ और उन समालोचकों और आलोचकों का भी हूँ, दोनों का हूँ, जिन्होंने मेरी पुस्तक के कुछ हिस्सों में अपनी रुचि दिखाई और अपनी टिप्पणियाँ दी। मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रकाशक और जिन लोगों ने कंपोज की, सब इकट्ठा किया सारी चीजें, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। किशोर उपाध्याय ने उत्तराखंडिया शब्द को लेकर का ये विषय दूसरा है, और जो काम मैं करता हूं उसे दिखाने में विश्वास नहीं करता। मैंने कहा था कि अगर मैं यहां उत्तराखंडियत आंदोलन की तत्कालीन शक्तियां थीं जिनका नेतृत्व इंद्रमणि बडोनी और टीडी के लोग कर रहे थे, अगर मैं दो बार अपने बड़े भाई राजेश पायलट से उनकी दो बार मुलाकात नहीं करवाता और उनको सुझाव नहीं देते कि जन आंदोलन की तरह का कुछ आंदोलन किया जाए, और मैं फिर आपको वार्ता के लिए बुला लूंगा ताकि उत्तराखंड के लिए अलग से व्यवस्था करेंगे। दूसरा है क्योंकि बहुत से लोग मेरे साथ क्या है कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए दिखाने में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। मैंने ये कहा था कि अगर मैं जो यहाँ आंदोलन की तत्कालीन जो शक्तियाँ थी जिनका नेतृत्व इंद्रमणि बडोनी जी और टिहरी के सपूत कर रहे थे, अगर मैं दो बार अपने बड़े भाई राजेश पायलट जी से उनकी मुलाकात नहीं करवाता और उनके सुझाव नहीं देते कि आपको जो है जन आंदोलन की तरह का कुछ कार्यक्रम करिए, तो मैं आपको फिर जो है वो वार्ता के लिए बुलाऊंगा, हम उत्तराखंड के लिए अलग व्यवस्था करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड रविवार को होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों बीजेपी संगठन दमखम के साथ जुटा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को किया था, जिसके बाद से समय समय पर प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते रहे हैं। इसी क्रम में 30 अप्रैल को पीएम मोदी इस कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश बीजेपी ने तमाम नेताओं की जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं। प्रधानमंत्री जी की मन की बात के बाद इसमें भी एक प्रकार से विदेशी उत्पादन की कमी हुई और हमारे देश से 95% जो खिलौनों का घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि हुई है। आपकी आपकी बात की चर्चा में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिला है, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है, अमृत सरोवर का निर्माण इस मन की बात के ही कार्यक्रमों के बाद सफलता प्राप्त की है। मन की बात के कार्यक्रम की प्रेरणा से
पर्यावरण संरक्षण एक आंदोलन बना है, इसका उदाहरण सफल स्वच्छता अभियान है। मोदी जी ने अपने मन की बात हमेशा स्वच्छता कार्यक्रम की जो चर्चा की उसका एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान मन की बात से के विषय को लेकर सामूहिक भागीदारी से राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को देखा गया है। प्रधानमंत्री जी की संस्कृति, लोक परंपराओं, भाषा, लोगों की कहानियां और त्योहारों जो कि पहले मुख्य धारा में शामिल नहीं थे उनके अवगत कराने के लिए प्रभावी ढंग से एक मंच का उपयोग किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वां संस्करण सुबह 11 बजे प्रसारित होगा और इसके लिए हरिद्वार और रुड़की जिले में सभी इंतजाम बूथों पर मन की बात सुनने की व्यवस्था की गई है। साथ ही ऋषि कुल आयुर्वेद महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संतों के साथ बैठकर मन की बात सुनने का प्रबंध किया है। ये जानकारी आज हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत के दौरान दी है। हमारे संतों का पूरा देश है, हमारे संत तो पूरे देश के हैं, वो उनका पूरा देश है, वो तो उनकी पूरी धरती है, वो कहीं से उठना चाहेंगे कोई रोक सकता है? अच्छा है, हमारे यही तो संत हैं, हमारी तो ये देवभूमि है। जब भी दुनिया का व्यक्ति हताशा निराशा कुआसा से उधर गुजरता है तब तब तो मेरी इस देवभूमि में आता है, एक नया जीवन वापस लेकर जाता है। तो हमारे संतों की माया है और संतों का आशीर्वाद सबको है, वो उनका आशीर्वाद हमको भी आशीर्वाद है उनका, और देश के प्रधानमंत्री जी को भी आशीर्वाद है उनका, देश के हर बच्चे बच्चे को उनका आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 30 अप्रैल के दिन 100वें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां बीजेपी पूरे देश में तैयारी कर रही है तो वहीं उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी जुटी है। तो वहीं कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट आज पत्रकारों से रूबरू हुए। माननीय मोदी जी ने मन की बात जो 2014 से प्रारंभ करी थी वो सतत चलते चलते कल को उसका 100वां एपिसोड संपन्न होगा। कोई एपिसोड ऐसा नहीं है जिस एपिसोड ने हमको मार्गदर्शन नहीं दिया हो, हमारी हिम्मत न बढ़ाई हो, उत्साहवर्धन न किया हो हर क्षेत्र में। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में चल रहे जिला योजना समिति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के रवैये को लेकर एक बार फिर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच टकराव देखने को मिला है। अधिकारी को रवैया को देखते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने एक बार फिर बेलगाम अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभी को पता है कि अधिकारियों का रवैया जनप्रतिनिधियों के साथ कैसा है। तो आपको बता दें जिला योजना की समिति की बैठक है जिसमें मंत्री सुबोध उनियाल रहे और जनप्रतिनिधि अधिकारियों में टकराव देखने को मिल रहा है। जिला योजना की समिति बैठक थी। तो आप देख सकते हैं जिला योजना की समिति बैठक में किस प्रकार से सभी लोग सम्मिलित हुए और इस बात पर चर्चा हुई। मंत्री सुबोध उनियाल इसके अध्यक्ष थे। कार्यक्रम में आकर सभी लोगों ने उत्तराखंड जनप्रतिनिधि अधिकारियों में टकराव भी यहां पर देखने को मिला। क्या उत्तराखंड में सब लोग जानते नहीं अधिकारियों का रवैया क्या है? जब से राज्य बना है ये उत्तराखंड अधिकारियों को लेकर हमेशा परेशान रहा है और अधिकारियों का रवैया हम लोगों के लिए हमेशा एक चिंता का विषय रहा है। आज जिला योजना की बैठक चल रही है, बहुत सारे अनियमितताएं हैं और कहीं ना कहीं जनता के कामों की उपेक्षा ये हम लोगों को रोज़मर्रा के काम में झेलनी पड़ती है और लोग हमसे शिकायतें करते हैं। तो आज बैठक थी, बैठक में विषयों पर चर्चा हो रही है तो निश्चित तौर पर जिन अधिकारियों के काम में खोट है, जो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बताना तो पड़ेगा कि आप ठीक नहीं हैं, आपको ठीक चलना चाहिए। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद अब सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने शासन के 2 बड़े अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि चंदन राम दास ने हेलीकॉप्टर मांगा था लेकिन अधिकारियों की तरफ से इसमें हीला हवाली कर दी गई, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास आज हमारे बीच नहीं है। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर
राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ये चंदन रामदास जी का जो निधन हुआ है वो तो बहुत अपूर्णीय क्षति है जिसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। जानकारी में यह आया है कि अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने हेलीकॉप्टर की मांग करी थी। शासन के दो बड़े अधिकारी आईएएस अधिकारी उनको फोन किया गया कि उनको हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जाए, लेकिन उनको हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। शासन की लचर व्यवस्था के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर उनको समय पर हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा दिया जाता शायद उनकी जान बच सकती थी। आज जो मंत्री और जो अफसरशाही है वो एक दूसरे के झगड़े में उलझे हैं कि सीआर कौन लिखेगा। सीआर के चक्कर में वो कह रहे हैं मंत्री लिखेगा या मुख्यमंत्री लिखेगा, इन्हीं बातों को लेकर उलझे हुए हैं। प्रदेश का कोई काम नहीं हो रहा। अब इससे बड़ी दुर्घटना क्या हो सकती है कि एक मंत्री के बीमार होने के बावजूद उन्होंने हेलीकॉप्टर की मांग करी। ये सुविधा तो उनको मिलती है। अगर मंत्री को हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया, उनको स्वास्थ्य की सुविधा प्रदेश के अंदर नहीं मिल पाई, तो आम जनता का क्या होगा? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। और अगर उन्होंने हेलीकॉप्टर की मांग करी है तो जो अधिकारी उसमें सम्मिलित है, जो जिन्होंने हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराई जिस कारण उनको अपनी जान देनी पड़ी, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एयर एम्बुलेंस से इंदिरा हृदय जी को भी भेजा था। प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ, अनहोनी के साथ इस प्रकार प्रश्न खड़ा करके कांग्रेस मृत आत्मा के प्रति एक प्रकार से संदेह व्यक्त कर उसको अपमानित कर रही है। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। परिवार में जाके बातचीत हुई, उसके आधार पर तत्काल उनको जो वहां पर स्वास्थ्य सुविधा दी जा सकती है देने का प्रयास हुआ है। और ऐसी घटना, दुखद घटना, उस पर मैं बहुत क्रांतिक विषय की और ध्यान नहीं कर। खबर लक्सर से है। हरिद्वार जनपद में जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा आयोजित की गई। जिले में दो दर्जन से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित कराई गई। लक्सर केवी इंटर कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर 426 बच्चों ने परीक्षा दी है। कॉलेज पीआर, प्रधानाचार्य और केंद्र प्रभारी जेपी सिंह ने बताया कि परीक्षा को लेकर प्रशासन और शिक्षा विभाग गंभीर है, इसलिए परीक्षा केंद्र पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के अलावा नकल विहीन और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 426 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हैं और सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस बल भी तैनात है। हमारे कक्ष निरीक्षकों को भी सारी सूचनाएं हैं और सूचताबद्ध नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। और हमारा सेंटर तो वैसे भी नकल विहीन ही रहता है, सारी व्यवस्थाएं साफ सुथरी रहती हैं और निष्पक्ष रहती है। मसूरी बीजेपी मंडल की तरफ से मसूरी विधानसभा के बूथ अध्यक्षों का सम्मान समारोह मसूरी झील यूथ हॉस्टल के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और देहरादून महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मसूरी विधानसभा क्षेत्र के 68 बूथ अध्यक्षों में से 55 बूथ अध्यक्षों को फूलों का गुलदस्ता, मोमेंटो और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो केवल अपनी विकास की योजनाओं में ही नहीं, जो अपने संगठन का, हमारी जो संरचना है उसमें भी जो आखिरी व्यक्ति है। और मुझे लगता है संगठन की जो सबसे मजबूत कड़ी है हमारे बूथ का अध्यक्ष, जिसके बूते पर हम चुनाव में जाते हैं, चुनाव जीतते हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं, उनको सम्मान करने की योजना बनाई है। इसके लिए मैं हमारे महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनको बधाई देती हूँ। क्योंकि देखिए, जब युवा के हाथ में कमान आती है तो कुछ नया करते हैं, ये नई सोच है। और महानगर देहरादून पहला हमारा ऐसा ज़िला है जहाँ पे इस तरीके के कार्यक्रम हुए हैं और आशा करती हूँ कि पूरे उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में इस पहल को आगे ले जाया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल के जो हमारे नवनियुक्त बूथ के अध्यक्ष हैं, आपकी जानकारी में बता दूँ, हमारी संगठन की दृष्टि से और चुनाव की दृष्टि से मसूरी मंडल के अंदर 67 बूथ है और 67 बूथ में से लगभग 55 बूथ के अध्यक्ष यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, जिनके स्वागत का आज कार्यक्रम हमारे मंडल अध्यक्ष जी के द्वारा रखा गया था और बूथ के अध्यक्षों को सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए थे। धर्मनगरी हरिद्वार में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जहाँ वे अपनी अपनी समर्थ के अनुसार भिक्षुओं में दान भी करते हैं, जिस कारण से हर की पौड़ी और उनके आसपास
कि गंगा घाटों पर भिक्षुओं की बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें अक्सर देखा जाता है कि भिक्षुओं के गुट आपस में दान की राशि और सामान को लेकर लड़ते रहते हैं। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें महिला भिक्षुक और एक वृद्ध भिक्षुक आपस में लड़ते हुए भीड़ रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कोटाबाग की 4 ग्राम पंचायतों के 15 लोक में रहने वाले करीब 12,000 लोगों को सप्लाई किए जा रहे पानी के टैंक में 14 बंदर मरे मिले। इससे ग्रामीणों में विभाग के प्रति आक्रोश है। हालांकि पता चलते ही पानी निकालकर टैंक की सफाई करा दी गई है। इधर प्रशासन ने मामले में जांच बैठा दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है ये वीडियो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क का है, जिसमें पार्क की चीला रेंज में भालू मुख्य सड़क पर आ गया है। भालू काफी हद तक सड़क पर चहलकदमी करता रहा, जिसके कारण से मार्ग पर आवाजाही करीब आधे घंटे रुकी रही। इस दौरान मार्ग से गुजर रहे लोगों ने भालू को अपने मोबाइल से कैमरे में कैद कर लिया। भालू के सड़क पर आने की सूचना पर पार्क कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक भालू जंगल में जा चुका था। राज्य में 627 शराब की दुकानों के मुकाबले अभी भी 109 सरकारी शराब की दुकानें आवंटित नहीं हो पाई हैं, जबकि 400 करोड़ रुपए का राजस्व वसूलना भी बाकी है। सचिव आबकारी हरिचंद सेमवाल ने बताया कि जिन जनपदों में विभागीय कार्य सही से नहीं किए गए हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तरकाशी और चमोली जिला आबकारी अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। तो हमारे नवीनीकरण हो गई थी दुकानें, उनको छोड़ते हुए और जो सरकार की पॉलिसी के तहत प्रथम जिसने फर्स्ट हमारे यहाँ अप्लाई किया था उसको अलॉटमेंट करने के बाद जो दुकानें बची थी 133 दुकानें बची हुई थी। तो कल जो प्रक्रिया के तहत दुकानों का आवंटन किया गया है जिन्होंने अप्लाई किया था, तो जो जानकारी जो मिली है वो 109 दुकानें हमारी अभी भी रह गई है। 24 दुकानों के करीब उसका कल निराकरण हो गया है, जो हमारी व्यवस्थित हो गई है। तो जो 109 दुकानें रह गई है उसमें कम से कम 400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इन्वॉल्व है। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उनके भी व्यवस्थापन की कार्रवाई संपन्न हो सके। लक्सर में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष नवीन सैनी और जिला प्रभारी विवेक सैनी ने कहा कि एनपीएस के तहत रिटायर कर्मियों को सिर्फ 1,000-2,000 प्रति महीने पेंशन मिल रही है, जिसमें जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। सरकार द्वारा पेंशन बंद कर नई पेंशन स्कीम हमारे हितों का प्रहार है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 1 मई को दिल्ली में आंदोलन होगा। बस 1 मई में जो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संघ मोर्चा है, पुरानी पेंशन का ये लड़ रहा है। हमारा 1 मई को संसद मार्च का कार्यक्रम है और उसमें पूरे राज्य से हमारे उत्तराखंड से और साथ में, क्योंकि अब हम हरिद्वार के यहाँ लक्सर ब्लॉक में खड़े हैं, तो हमारे साथी बिल्कुल तन मन धन से ऊर्जा से भरे हुए हैं और वहां जाने की पूरी योजना है, उसी के बारे में हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। लक्सर SDM गोपाल राम बिनवाल राजस्व टीम के साथ क्षेत्र के खनिज भंडारण स्टॉक पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान स्टॉक के रजिस्टर का वहां मौजूद खनिज सामग्री के साथ मिलान किया गया, तो स्टॉक से ज्यादा सामग्री रखी हुई मिली, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए इन स्टॉक को सीज कर दिया है।
मैं अवैध खनन की बार बार शिकायतें आ रही थी, उसको लेकर के पूर्व में 7 स्टॉक को सीज किया गया था और पुनः कल 3 स्टॉक को और सीज किया गया है, और इस प्रकार ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और इस प्रकार से कोई व्यक्ति अवैध खनन करता है बिना किसी सक्षम अनुमति के तो कार्रवाई की जाएगी। लक्सर में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सुल्तानपुर के शाहिब मलिक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके घर पर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें उनके मोबाइल फोन, पासबुक और नकदी का हाथ साफ कर दिया गया। इसके बाद मामले में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही थी। ये परसों तहरीर प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के यहाँ जो है घर में घुसकर मोबाइल और नकदी चोरी करने का प्रकरण सामने आया था, जिसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें सीसीटीवी कैमरे के अवलोकन से चोरों को तस्दीक किया और 3 लोग जो कि सुल्तानपुर निवासी ने गिरफ्तार कर किया गया, जिनके पास एक मोबाइल, पासबुक और 3,000 रुपये की बरामदगी हुई है, उन्हें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया। देखिए आपराधिक इतिहास जो है पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेगी। रामनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 111 नशे के अवैध इंजेक्शन बरामद करने में सफलता हासिल की है। दरअसल शुक्रवार की शाम मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम तेलीपुरा रोड के प्राइमरी स्कूल के पास 2 संदिग्ध लोगों को धर दबोचा। देखिए कल शाम को हमारी पुलिस टीम ये तेलीपुरा प्राइमरी स्कूल के पास जब गश्त करते हुए पहुंची तो 2 व्यक्ति, अंजल सैनी और अंबिराम, ये सस्पेक्टेड हालत में दिखाई दिए और इनकी तलाशी लेने पर 111 नशीले इंजेक्शन इनसे बरामद हुए। इनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है, गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। धार्मिक जोशीमठ प्रखंड के बाड़ा गांव के पंचायत चौक में पौराणिक सांस्कृतिक धरोहर को संजोए गरुड़ छाड़ मेले का विधिवत समापन हो गया। तो वहीं इस बार मेले में ग्रामीणों के आग्रह पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की ओर से काशी के प्रसिद्ध गंगा आरती मेले में पहुंचे हजारों लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। सदियों से चले आ रहे इस पारंपरिक मेले में गांव की पंचायत की तरफ से नामित जो भी व्यक्ति भगवान गरुण और भगवान कृष्ण को पकड़ता और छूता है उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।